चारों धामों में तीर्थयात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है। बिना पंजीकरण के पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को वापस लौटाया जा रहा है। ऑफलाइन पंजीकरण पर भी 31 मई तक रोक लगा दी गई है। इसका परिणाम यह है कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या निर्धारित मानक के तहत ही है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी के बड़कोट में पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। लोगों में पहले ये था कि ऑफलाइन वो पंजीकरण करा लेंगे, अब वो भी बंद हो चुका है, क्या कुछ है सर? नहीं, बिल्कुल ऑफलाइन पंजीकरण 31 तारीख तक बंद किया गया है। जो ऑनलाइन से जिनका पंजीकरण हुआ है वही लोग जा रहे हैं, और जहां पर भी गाड़ियां रुक रही हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है सभी जिलाधिकारियों को कि जहां भी गाड़ियां अगर रुक रही हैं गेट सिस्टम में, तो उनके खाने की, पीने के पानी की, दवाओं की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे सभी लोग। इसके अलावा उन्होंने जो अलग अलग विभागों के सचिव साहिबान हैं, चाहे PWD, पेयजल, उनको भी कहा कि आप लोग स्थल पर जाइए और देखिए कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए कि जिलाधिकारी अपना कार्य करें, अधिकारी अपना कार्य करें, और सभी लोग एक टीम वर्क के रूप में काम करें ताकि यात्रा सुचारू रूप से और सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो सके। चारों धाम में कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई है सर, क्या कुछ कोई आंकड़ा दिख रहा है? देखिए, उसमें अब तक जो सूचना मिली है 12 लोगों की मृत्यु हुई, और कल हमने चर्चा भी किया था DG हेल्थ से, तो उनके द्वारा बताया गया कि इसमें ज़्यादातर यात्री एक तो 60 वर्ष के ऊपर हैं, और उनमें जो हाइपरटेंशन या BP या हार्ट की इस तरह के वो मरीज थे। मुख्यमंत्री जी सर आज बड़कोट को गए हैं, क्या और जगह भी